खाने में बैठा। बैर के दरख्त में एक बैर पका हुआ था, पीला पीला बिल्कुल टसखस था, वो गिर गया। बादशाह ने जो देखा पेशाब खाने में, उस बैर को मुंह में पानी आ गया। दाई देख रहा, बाई देख रहा, कोई देख तो नहीं रहा। देखा कि कोई नहीं देख रहा है, बैर को उठाया, धोकर के मुंह में रख लिया। रात में मुशायरा चल रहा था, एक लड़की कहती है, राजा जी मैं तो कह दूंगी, राजा जी मैं तो कह दूंगी। राजा के कान खड़े हो गए, नालायक लड़की खड़ी खड़ी कहां तुम रही, अगर इसने आज पोल खोल दिया तो इस अबरू का जनाजा निकल जाए। बादशाह ने मुट्ठी में पैसा ला करके कहा, इनाम देते हुए दाद देते हुए कहा, कहेगी कैसे ये इनाम तो ले ले, राजा जी मैं तो कह दूंगी। बादशाह इनाम देते देते थक गया, लेकिन लड़की बोलते बोलते थक नहीं रही। बादशाह ने सोचा कि ये पूरा सारा खजाना लूट लेगी, ये तो खामोश होने वाली नहीं है। तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, बादशाह ने खिसिया करके कहा, क्या कहेगी, बार बार धमकी दे रही है, सारा खजाना लूट लिया, क्या कहेगी, यही ना कहेगी कि बैर गिरा था, पीला टसटस था, मैंने धोकर के खा लिया। उसने सूरत चंद रोजा, उसने सीरत मोतर, उसने सूरत चंद रोजा, उसने सीरत मोतर, उसने सूरत चंद रोजा, उसने सीरत मोस्तकिल, उसने सूरत चंद रोजा, उसने सीरत मोस्तकिल, इससे खुश होती है आंखें, उससे खुश होता है दिल, इससे खुश होती है आंखें, उससे खुश होता है दिल। एक मिसाल आप भी सोचेंगे, हम लोग सुनना चाहते थे, इन्होंने सुनाया नहीं। मैं भी कारी शमशाद राही का जोड़ाई हूँ, वो ऐन और गैन। आप लोग छोड़ देते जल्दी से माइक, छोड़े वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं, मैं भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं, लेकिन अगर नहीं छोड़ूंगा तो मेरा डबल पंचर होगा, आपका सिंगल पंचर होगा, जरा ध्यान रखिएगा। जैसे एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ, मुखिया जी ने इनाम दिया है, मैं इस इनाम को जलसे को हवाले कर रहा हूँ। दुआ कीजिए अल्लाह आपको भी कबूल फरमाए, आपके बच्चों को भी कबूल फरमाए। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। माँ की भी उम्र वही है, बेटी की भी उम्र बराबर है। माँ भी जवान है, बेटी भी जवान है, दोनों की उम्र बराबर है, ऐसा कैसे हो सकता। सौतेली माँ है, सौतेली बेटी है, बेटी का नाम फातिमा है और माँ का नाम आयशा है, लेकिन सौतेला सुलूक नहीं है, दिल की बात माँ भी कह देती है, सहेली जैसा सुलूक है, और बेटी भी दिल की बात माँ से कह देती है, सहेली जैसा सुलूक। माँ की मजलिस में बेटी बैठी हुई है, बेटी की मजलिस में माँ बैठी हुई है, माँ का नाम आयशा है, बेटी का नाम फातिमा है रजी अल्लाह अन्हा। बेटी मुस्कुराती, तो माँ ने कहा कि बेटी क्यों मुस्कुराती, कहा कि ख्याल आया। क्या ख्याल आया, कहा कि आप तो अबू बकर की बेटी हो, मैं तो रसूलुल्लाह की बेटी हूँ, उस ख्याल से मैं मुस्कुरा रही। तो माँ होती है, बेटी को हौसला भी देती है, अदब भी देती है, कहा बेटी तूने सच कहा, उसी नबी के सदके में हमें ईमान मिला, उसी नबी के सदके में हमें कुरान मिला, बेटी तुमने सच कहा, लेकिन मेरे दिल में भी ख्याल आया। अब बेटी के कान खड़े हुए कि माँ के दिल में क्या ख्याल आ रहा, कहा बेटी तू भी इंतकाल करेगी, मैं भी इंतकाल करूंगा, तू भी कब्र में जाएगी, मैं भी कब्र में जाऊंगा, जब कयामत कायम होगी तू भी कब्र से निकलेगी, मैं भी कब्र से निकलूंगी, जब अल्लाह का फैसला होगा जन्नत में जाने का तो तू भी जन्नत में जाएगी, मैं भी जन्नत में जाऊंगी, लेकिन बेटी मैं मुस्कुरा रही हूँ, ख्याल ही आ रहा है, जब तू जन्नत में जाएगी तो तेरे हाथ में अली का हाथ होगा, जब मैं जन्नत में जाऊंगी तो रसूलुल्लाह का हाथ मेरे हाथ होगा। आज तक इंसान शर्मिंदा है उस इल्जाम पर, ओ मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुकद्दस नाम पर, ओ मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुकद्दस नाम पर, आयशा के सैकड़ों एहसान है इस्लाम पर।
तीन काम छोड़ दीजिए, अल्लाह आपके जलसे को यहाँ के लिए वहाँ के लिए दोनों जहाँ के लिए कामयाब कर देगा। हाथ उठाइए इंशाल्लाह अल्लाह की इबादत करेंगे, सही जा रहा है इंशाल्लाह, रसूलुल्लाह की इबादत करेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आपकी खिदमत कम ससुर की खिदमत।